ओ, कैसे हो आप लोग। आशा कर तो बढ़िया नहीं होंगे, क्योंकि आप लोगों को ये प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब गेम के अंदर नहीं घुस आ रहा है, सिर्फ नेटवर्क बिजी प्लीज ट्राई ऐसा दिखा रहा है और गेम के अंदर अब नहीं जा पा रहे हो, तो गेम कैसे खेलोगे। और अगर आप गेम के अंदर भी चले गए लेकिन गेम प्ले कर रहे हो तो आपको ऑटो रिकनेक्टेड, मतलब नेटवर्क ऑटो रिकनेक्टेड ऐसा दिखा रहा है, तो ये प्रॉब्लम आप सॉल्व कैसे करोगे वही मैं बताऊंगा इस वीडियो में। इसीलिए वीडियो को एंड तक देखना। अगर एंड तक देखोगे तो आपका ये जो प्रॉब्लम है, मतलब नेटवर्क का जो भी प्रॉब्लम है, वो एकदम सॉल्व हो जाएगा। देखो यार, ये दो तरह से हो सकते, एक तो सर्वर प्रॉब्लम जो गरीना की तरफ से, और एक दूसरा है आपका फोन का नेटवर्क प्रॉब्लम जो नेटवर्क प्रॉब्लम से आ रहा है। तो आप अगर ये सॉल्व करना चाहते हो तो वीडियो एंड तक देखना ही पड़ेगा। तो चलो शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। तो सबसे पहले आपका फोन का सेटिंग ऑन कर लेना है। करने के बाद आपको एकदम रोल करके नीचे चले जाना है। नीचे जाने के बाद आपको इधर एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ऐप मैनेजमेंट। सबसे पहले वाला काम यही है, आपको ऐप मैनेजमेंट पे जाना है। जाने के बाद आप जो भी खेलते हो यार, फ्री फायर मैक्स जो भी आप खेलते हो उसको सिलेक्ट कर लेना है। करने के बाद आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, मतलब इसके अंदर ही आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, स्टोरेज यूज, मतलब पहले वाला ऑप्शन, तो उस पर आपको टैप कर देना है। तो जैसे टैप करोगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा, इधर आपको क्लियर क्रैच दिख जाएगा। आपको एक दो बार एक कर लेना है, मतलब क्लियर क्रैच एक दो बार कर लेना है। करने के बाद इधर से बैक कर लेना है। करने के बाद डेटा यूज डिटेल्स एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, सिंपली उस पर टैप कर देना। तो उस पर जैसे टैप करोगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इधर आपको क्या करना है, एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा बैकग्राउंड डेटा वाला। तो आपको ये क्या करना है, आपको ये वाला जो ऑप्शन दिख रहा है बैकग्राउंड डेटा, इसको एक बार ऑफ कर देना है। ऑफ करने के बाद फिर से ऑन करना है, और अगर ये ऑफ रहेगा तो आपको इसको ऑन कर देना है। उसके बाद इधर से पूरा बैक चले जाओ। ये करने के बाद आपको ये पूरा बैक कर लेना है, इधर से पूरा बैक चले जाना है। जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको सेटिंग के अंदर ही रहना है, सेटिंग से बाहर नहीं जाना है। आपको सेटिंग के अंदर ही आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, डुअल सिम एंड नेटवर्क, ऐसा एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। हर फोन में है यार, आपको फोन में भी मिल जाए। तो सिंपली क्या करना है, वो वाला जो ऑप्शन दिख रहा है डुअल सिम एंड मोबाइल नेटवर्क वाला, उस पर टैप करना है। करने के बाद आपको इधर से फ्री फायर या फ्री फायर मैक्स सिलेक्ट कर लेना है। करने के बाद आपको ये वाईफाई एंड मोबाइल डेटा पे रहेगा, तो इसको क्लोज करके फिर से आपको वाईफाई एंड मोबाइल डेटा पे कर देना है। करने के बाद आपको इधर से बैक चले जाना है, पूरा बैक जाना है। जाने के बाद फोन को एक बार रिबूट या रीसेट जो भी ऐसा आता है तो एक बार कर लेना है, बस इतना ही करना है। और अगर तब भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो फोन से अपना सिम निकाल लेना है, निकाल लेने के बाद फेंक देना है। सॉरी यार, मैं तो मजाक कर रहा था। फोन का सिम को निकाल लेना है, निकाल लेने के बाद कोई भी एक कपड़ा लेने का और उसको थोड़ा सा साफ करने का, करने के बाद फिर से आपको फोन के अंदर डाल देना है, बस इतना ही करो। तो आपका देखो गेम मक्खन की तरह चलेगा, कोई भी नेटवर्क का समस्या नहीं होगा। आशा करता हूं आप लोग समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे तो कमेंट्स पे बताना यार कहां पे प्रॉब्लम आ रहा है। तो चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।